अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हम अपने एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं और आज हम बैठे हुए इस्लामाबाद के बहुत ही खूबसूरत मारगला रेलवे स्टेशन पे। ये देखें जी, साथ में व्यू देखें इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन का। ये देखें कितनी हरियाली है, ये सामने ट्रैक भी बना हुआ है, ये पीछे हमारे पौधे लगे हुए हैं, ये और ये मेरे साथ हैं छोटे ब्लॉगर मोहम्मद अजान भी। जी मोहम्मद अजान, आप अपने बारे में बताएँगे। मेरा नाम मोहम्मद एक मिट्टू, आपका नाम? ठीक है। आपने मेरे ब्लॉग को लाइक करना है। मेरा ब्लॉग लाइक करना है और शेयर भी करना, शेयर करना। और मैं आपको दिखाऊंगा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जी दोस्तों, हम रेलवे स्टेशन में बैठे अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जो यहाँ से जाएगी लाहौर के लिए। बस कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है, इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे पिंडी और पिंडी से फिर वापस आएंगे दोबारा इधर इस्लामाबाद में। और वो कैसे आएंगे वो हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक हम आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं मोहम्मद जान की यहाँ पर। जी मोहम्मद अजान को दिखाते हैं, मोहम्मद अजान यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। जी मोहम्मद अजान, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? वॉक कर रहे हैं। वॉक करते हुए क्या कर रहे हैं? ट्रेन का वेट कर रहे हैं। कहाँ से आएगी ट्रेन आपकी? उधर से। ट्रेन की लाइट नजर आ रही है आपको? देखें, नहीं। अभी नजर नहीं आई आपको ट्रेन की लाइट? नहीं। आपने पता किया कब आएगी ट्रेन? इधर देखे ना, मिस कब आएगी ट्रेन? ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? मारगला रेलवे स्टेशन, स्टेशन का नाम लिखा हुआ है ये जी। अच्छा, अभी हम यहाँ से सैर करेंगे फिर। जी दोस्तों, ट्रेन जो है वो इस वक्त मारगला स्टेशन की हदूद के अंदर दाखिल हो चुकी है और आहिस्ता 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 अपने प्लेटफार्म की तरफ रवा दवा है। अभी ये प्लेटफार्म पे इंजन जो है अपनी बाकी बोगियों को छोड़ता हुआ आगे जाके ट्रैक इस दूसरे ट्रैक से अपना रुख तब्दील करेगा, जिससे वो क्या कहते हैं वापस लाहौर की तरफ उसका मुँह हो जाएगा। हम आपको ट्रेन रुकने के बाद इसका रुख चेंज होते हुए भी दिखाएँगे कि भाई कैसे जो है स्टेशन पर आके इंजन जो है वो अपना रुख तब्दील करता है। ये देखें जी, एक्साइटमेंट देखें इसकी, इस एक्साइटमेंट चेक करें इसकी। उधर ही जा रहे पीछे जो पीछे बाय बाय कर दो।
देखते रहो। ट्रेन जो है का इंजन जो है उससे अलग हो चुका है, बस ये अब आगे की तरफ चले जाने वाला है। ये देखो वो आगे चला गया। मोहम्मद जान परेशान हो गया कि इंजन को क्या हुआ, वो कैसे आगे चला गया, अब ट्रेन कैसे जाएगी? क्यों मोहम्मद जान, ट्रेन कैसे जाएगी? अब नहीं पता आपको, अभी आपको बताते हैं ट्रेन कैसे जाएगी। अब वो इंजन इधर से उधर चला जाएगा और दूसरे ट्रैक पे जाएगा, दूसरे ट्रैक से फिर वापस आके ट्रेन के आगे लग जाएगा। देखिए जी, इंजन अपना रुख बदल कर वापस लाहौर की तरफ आते हुए, अभी इस इंजन का रुख जो है लाहौर की तरफ हो गया। यहाँ से ये इस ट्रेन के आगे जाके लगेगा और फिर यहाँ से आगे हमें पिंडी से होता हुआ लाहौर लेके जाएगा। हमारा सफ़र जो कि सिर्फ मार्गला से पिंडी तक का, ये देखें जी ट्रेन आ रही है, इंजन आ रहा है इस वक्त अपनी आबोताब के साथ। अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। क्लास का ये बोगी है, इसके अंदर हम जाएंगे यहाँ से और यहाँ से जाके अंदर से होते हुए वापस बाहर निकलेंगे। ये देखें जी बिजनेस क्लास की बोगी, ये बिज़नेस क्लास में से हम होते हुए जा रहे हैं इस वक्त। ये मुख्तलिफ केबल बने हुए हैं बिज़नेस क्लास के, 4 to 6 पैसेंजर्स के लिए। प्रॉपर लाइट है, हर चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रही है। अब हम नेक्स्ट बोगी में जा रहे हैं, नेक्स्ट बोगी देखते हैं कौन सी आती है, बिज़नेस क्लास की है या ये एक अच्छी बोगी है, ये पार्लर क्लास है। इसमें भी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट है, 3 और 2 की सीट्स के साथ ये अरेंजमेंट है। ये एसी पार्लर है और कंफर्टेबल यहाँ पे सीट्स लगी हुई है काफ़ी। मोहम्मद जान कैसी लगी अली आपको? अच्छी। ये अच्छी है, इस पर बैठना है जी। दोस्तों इस वक्त हम इकोनॉमी क्लास के डब्बे में आ चुके हैं और ये डब्बा जो है इस वक्त खाली है, लेकिन थोड़ी देर तक ये डब्बा भर जाएगा और साथ ही फिर ये ट्रेन चल पड़ेगी। नाज़रीन आपको यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करवाता चलो, जो पहले हमने डब्बे का विज़िट किया वो एसी स्टैंडर्ड का डब्बा था, ये जबकि पार्लर कार का डब्बा है। इसके हम आपको इसका जो है अंदर से रिव्यू दिखाते हैं कि ये किस तरह का डब्बा है। ये जो डब्बा है पार्लर कार की कोच जो है ये भी रिसेंटली चाइना से आई है। Don't you? You wanna sit here or not? Oh, the door. मैं इधर आ जाता हूँ, आगे से वो फल। ये इसका गेट है, ये नहीं ऑन होती, बंद हो गई। वो अंकल ऑन करते हैं। नहीं देखा जी, मोहम्मद जान के काम चेक करें, मोहम्मद जान साहब अगली सीट पर जाके बैठ गए हैं। अब क्या देख रहे हो? पौधा। पौधे देख रहे हो बाहर? इधर पूरा।
ये अब हम नाजरीन पिंडी के हदूद में दाखिल हुए हैं और ये पिंडी से होती हुई रावलपिंडी स्टेशन की तरफ रवाना हुआ है हमारी ट्रेन। ये रास्ते में घरों का खूबसूरत मंजर, और कुछ भी नहीं देगा। ये जी पिंडी का स्टेशन आ चुका है इस वक्त तकरीबन। ये सामने आपके मुख्य लोकोमोटिव खड़े हुए हैं इस वक्त। लोकोमोटिव का शेड था यहाँ पे, ये शेड है जिसमें इतने पुराने लोकोमोटिव खड़े हुए हैं। ये देखें जी कैसे एंजॉय करता फिर है। ये देखें जी मौसम कितना प्यारा हो गया यहाँ का, चाहे कुछ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हुई है दोबारा से। सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी पेजर्स चेक कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं अपने। ये जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों ये था हमारा आज का ईद का स्पेशल ब्लॉग, जो कि इस्लामाबाद आल के मालदा रेलवे स्टेशन शुरू हुआ था और इख्ताम पजीर हुआ है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। उम्मीद करते हैं हमें आपको के भी हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेगा अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।